क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 7.3। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। हुज वर्टिसेस टेकन इन द ऑर्डर, इस ऑर्डर में लेनी है हमें वर्टिसेस को। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए, ये है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। कितने साइड होते हैं क्वाड्रिलेटरल की, 4 साइड। तो इसमें नाम लिख दीजिए ए, कहीं से भी शुरू कर लीजिए आप, ए यहाँ से शुरू कीजिए, ऊपर से शुरू कीजिए, आपकी मर्जी है। मान लिया हम यहाँ से शुरू करें, ए बी सी और डी, ये हमने चारों पॉइंट्स के नाम लिख दिए हैं। अब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इन कोऑर्डिनेट्स को लिख दीजिए। फर्स्ट क्या हमारे पास -4, -2, सेकंड क्या है -3, -5, और थर्ड पॉइंट क्या है 3, -2, और फोर्थ पॉइंट 2, 3। ये लिख लिए हमने चारों कोऑर्डिनेट्स चारों पॉइंट्स के। अब आपको क्या करना है, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया निकालना है। तो देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला था, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 3 साइड्स होंगी हमारे पास, तो हम फॉर्मूले से एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम डायगनल खींच दें, यहाँ पे यहाँ से डायगनल खींच दीजिए या यहाँ से बी को डी से मिला दीजिए, तो आपके पास ए के डायगनल खींचना, आपको चाहे आप एसी वाला खींचिए या फिर आप बीडी वाला खींचिए। तो अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए, एक तो ये ट्रायंगल जिसको हमने शेड किया है और दूसरा ये अनशेडेड ट्रायंगल। अगर हम दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और उन दोनों को क्या कर दें, प्लस कर दें, जोड़ दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो देखिए हम पहले यहाँ पे निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, ACD जो शेडेड वाला हमने किया है, उसका ACD का हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं। अब देखो ACD का एरिया निकाल रहे हैं, तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स है वो ACD के ही यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, 1/2 (x1, y2, -y3) + (x2, y3, -y1, + (x3, y1, -y2)। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है। अभी फॉर्मूले के लिए हमें x1, x2, y1, y2, y3 इनकी जरूरत पड़ेगी। तो जो कोऑर्डिनेट है उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिए, ए से शुरू किया हमने ACD, तो x1, y1 ये हो गया आपका x2, y2, x3, y3। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1/2 × सबसे पहले x1 क्या है हमारे पास, -4 ब्रैकेट स्टार्ट, y2 कितना है -2, माइनस y3 चेक कीजिए कितना है 3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2 कितना हमारे पास, x2 है ये 3, y3 कितना है 3, माइनस y1 कितना है -2, ये -2 का माइनस और ये माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा +2, प्लस x3 कितना है 2, y1 कितना है, y1 है हमारे पास -2, माइनस y2 कितना है हमारे पास -2, माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे +2 ब्रैकेट क्लोज। अब सोल्व कर दीजिए, 1/2 -2 और -3 -5 आ जाएगा, -5 की अगर 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 4 = 20, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, उसके बाद प्लस 3 और 5 को ऐड किया तो कितना हो गया, सॉरी 3 और 2 को ऐड किया तो 5 हो गया, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15, 2 + 3 = 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15। अब यहाँ पे देखिए -2 और +2 0 आ जाएगा, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0, लिखिए या मत लिखिए आपकी मर्जी है। तो आपके पास क्या आ गया 1/2 ब्रैकेट के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लिख सकते हैं, 20 + 15 35 आ गया आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 35/2 स्क्वायर यूनिट। ये किसका एरिया आ गया हमारे पास, किस ट्रायंगल का एरिया आ गया है, ये आ गया है ACD जो हमने शेड किया था उस ट्रायंगल का एरिया। अब इसी तरह हमें किसका एरिया निकालना है, ABC सेकंड पार्ट है हमारा, ये दूसरा जो हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का, ABC फॉर्मूला लिख लीजिए, 1/2 x1 y2 - y3 ब्रैकेट क्लोज, x2
y3 माइनस y1, x3, y1 माइनस y2। ये लिख लिया हमने फॉर्मूला। अब रख लीजिए यहाँ पे x1, y1 इन सभी की वैल्यू। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल ABC का एरिया। तो कोऑर्डिनेट हमें ABC के अकॉर्डिंग लेने हैं। ये A हो गया, B हो गया और C हो गया। तो इसको पहले हम हटा देते हैं जो कोऑर्डिनेट हमने पहले यूज़ किए थे। अब देखिए ABC, A का तो x1, y1 लिखा हुआ है, B को लिख लीजिए x2, y2 और C को लिख लीजिए x3, y3। अब रख दीजिए वैल्यू इसको 1 बाय 2 इंटू एक्स वन। एक्स वन चेक कीजिए कितना हमारे पास, माइनस का 4। ब्रैकेट स्टार्ट वाई टू, वाई टू कितना है, माइनस का 5। माइनस वाई थ्री, वाई थ्री कितना है, माइनस का 2। ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस का 2। एक्स टू, एक्स टू कितना है हमारे पास, माइनस का 3। माइनस का 3। उसके बाद है y3, y3 कितना है, माइनस का 2। माइनस का 2। माइनस y1, y1 चेक कीजिए कितना है, माइनस 2। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस 2। प्लस x3, x3 चेक कीजिए कितना हमारे पास, 3 है, 3 रखिए। y1, y1 कितना है, y1 है माइनस 2। माइनस y2, y2 कितना है, माइनस का 5। ये माइनस और वो माइनस मिलके क्या कर देंगे, प्लस 5। ब्रैकेट क्लोज। अब सोल्व कर लीजिए, माइनस का 5 और प्लस का 2, माइनस का 3 बचा है हमारे पास। माइनस 3 और माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई कितना आ गया हमारे पास, 12। अब ये वाली टर्म देखिए, माइनस टू और प्लस टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो। और जीरो को अगर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो। तो जीरो आ गया हमारे पास ये, प्लस, प्लस का फाइव माइनस का टू, तो कितना आया हमारे पास, प्लस का थ्री। थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया है, 9। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 में 9 ऐड किया तो 21। तो हमारे पास कितना आ गया है, 21 बाय 2। तो ये किस ट्रायंगल का एरिया आया है, ये आया है हमारे पास ए बी सी। और हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है पूरे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का। तो हैंस एरिया ऑफ ए बी सी डी किसके इक्वल होगा, इसको और इसको हम ऐड कर दे दोनों को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए हमारे पास जो ए सी डी है वो कितना आया था, 35/2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आया है, 21/2। 2 एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, 35 प्लस 21 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 56/2। 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो हमारे पास जो एरिया आया है क्वाड्रिलेटरल का, ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है, एरिया कितना आ गया हमारे पास, 28 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। देखिए क्या है क्वेश्चन, You have studied in class 9th that a median of a triangle divides it into two triangles of equal area. Verify this result for triangle ABC whose vertices are AB and C. तो देखिए हमें क्या बोला गया है, एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ले लिया हमने, इन्होंने बोला है कि जो ट्रायंगल है उसके जो वर्टिसेस है वो क्या है, ए बी सी। ये ए ले लिया हमने, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया सी। ये ट्रायंगल ले लिया हमने, वर्टिसेस लिख लो, ए कितना है, 4, -6, बी कितना है, 3, -2 और सी कितना है, 5, 2। क्या बोला है इन्होंने, इन्होंने बोला है अगर इस ट्रायंगल का एक मीडियन खींचा जाए, किसी भी वर्टेक्स से, ए से खींचिए, बी से खींचिए या सी से खींचिए, वो क्या करेगा, इस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा और जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे उन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए इस वर्टेक्स से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक मीडियन खींचती हूँ, ये मीडियन है, मीडियन किस लाइन पे किया है हमने, यहाँ पे बी सी लाइन पे, और ये पॉइंट
क्या है, जहां पे इस मीडियन ने बीसी लाइन को कट किया है, लाइन सेगमेंट को, इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया है, डी दे दिया है। तो ये मीडियन है, हमने क्या किया है, एडी क्या है यहाँ पे, एडी इज अ मीडियन, जो किस वर्टेक्स से खींचा गया है, ए वर्टेक्स से। और जो बीसी को क्या करता है, किस पॉइंट पे कट करता है, बीसी लाइन सेगमेंट को, डी पॉइंट पे, विच कट बीसी लाइन सेगमेंट एट डी पॉइंट, किस पॉइंट पे कट कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, डी पॉइंट पे। तो देखिए अब हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए हैं, एक ट्रायंगल तो ये आ गया हमारे पास ए सी डी, और दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ए डी बी। हमें चेक करना है कि जो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया है, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, वो एरिया इक्वल है या फिर नहीं है मीडियन खींचने के बाद। अब देखो हमें ए सी तो पता है, लेकिन हमें डी पॉइंट नहीं पता है, ए बी हमें पता है, डी पॉइंट हमें नहीं पता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, ये डी पॉइंट जो मिड पॉइंट है बी सी लाइन सेगमेंट पे, इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना। तो कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, डी पॉइंट के क्या निकाल रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट ऑफ डी पॉइंट, ऑफ डी पॉइंट। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए कैसे निकालेंगे, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये सी है और ये बी है, ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट है डी इसका। तो सी हमें पता है 5.2 है और बी हमें पता है 3.-2 है, तो इसको इसमें ऐड कर दीजिए, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, इसे हम निकाल लेंगे x कोऑर्डिनेट, और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई टू, इसे हम निकाल लेंगे y कोऑर्डिनेट। तो निकाल लीजिए d पॉइंट का x और y, तो x1 कितना है 5, x2 कितना है 3 डिवाइड बाय 2 कोमा, y1 कितना है 2, y2 कितना है माइनस का 2, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2/2। तो d कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, x और y, 5 और 3 को ऐड किया 8/2, ये कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया है, 2 में से 2 माइनस किया 0, 0/2 क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई है 0, तो लिख लीजिए यहाँ पे 4.0, ये पता चल गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दो ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है। पहले हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, फॉर्मूला क्या है, 1/2 एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए हम किस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, ए सी डी, ये ए है, ये सी है, ये डी है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वन वाई वन, ये हो जाएगा एक्स टू वाई टू, और ये हो जाएगा एक्स थ्री वाई थ्री, वैल्यू पुट कर दीजिए बस अभी 1/2। सबसे पहले एक्स वन, एक्स वन कितना है 4, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट लगा लीजिए इसको। उसके बाद है आपका वाई टू, वाई टू कितना है 2 माइनस, y3 कितना है 0 प्लस x2, x2 कितना है हमारे पास चेक कीजिए 5, ब्रैकेट स्टार्ट y3, y3 कितना है 0 माइनस, y1 कितना है, y1 है माइनस 6, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 6, प्लस x3, x3 कितना है 4, y1 कितना है, y1 है हमारे पास माइनस 6 माइनस, y2 कितना है 2, ब्रैकेट क्लोज, सोल्व कर लीजिए इसको 1/2, 2 में से 0 माइनस किया 2, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, प्लस 6 और 0 को ऐड किया 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, प्लस माइनस का 6 और माइनस का 2, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस के 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा कितना होगा 34, और साइन आ जाएगा माइनस 32, 6 और 2 माइनस का 8 आ गया, 8 4 जा 32, अब इसको सोल्व कर लीजिए, अंदर क्या बचा हमारा, माइनस का 32 है और प्लस का 30 है, तो माइनस का क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 2, माइनस का 2 आ गया है, माइनस का 2 और प्लस का क्या आ गया हमारे पास 8, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है यहाँ पे 6, 2 3 जा, इसको हटा देंगे ब्रैकेट को, तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, तो हमारे पास एरिया कितना आया है यहाँ पे ट्रायंगल का, ए सी डी ट्रायंगल का 3,
कितना आया है एरिया हमारा यहाँ पे 3। चेक कर सकते हो आप दोबारा से इसको, ये हमारे पास ए है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट निकाल लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का निकालना हमें ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए, 1/2 एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। वैल्यूज पुट कर दीजिए 1/2 एक्स वन। तो सबसे पहले देखिए एक्स वन क्या है, ए बी डी ट्रायंगल लिया हमने, ये एक्स वन वाई वन हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा और ये सेम आपका x3 y3, इसको हटा दीजिए क्योंकि अब हम c कोऑर्डिनेट यूज नहीं कर रहे हैं, हम a b d कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले x1 की वैल्यू कितनी है 4, ब्रैकेट स्टार्ट, y2 कितना है -2 माइनस, y3 कितना है y3 है 0, ब्रैकेट क्लोज, x2 चेक कीजिए कितना है 3, y3 कितना है 0 माइनस वाई वन, वाई वन कितना है माइनस का 6, ये माइनस और वो माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस का 6, प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री कितना है हमारे पास 4, माइनस वाई वन, वाई वन कितना है, वाई वन था हमारे पास माइनस का 6, माइनस वाई टू, वाई टू कितना है हमारे पास माइनस का 2, ये माइनस और वो माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का 2, ब्रैकेट क्लोज, सोल्व कर दीजिए, माइनस टू और माइनस जीरो, माइनस टू ही बचेगा, माइनस टू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8, प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18, उसके बाद माइनस का 6 है और प्लस का 2 है तो माइनस का 4 बचा, माइनस के 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 16, माइनस माइनस को ऐड कर दीजिए और जो बचा है उसको चेक कर लीजिए, माइनस का 8 और माइनस का 16, माइनस का 24 प्लस का 18, 1/2 इंटू क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा है माइनस का 6, 18 हाँ 24 में से 18 माइनस किया तो माइनस का 6, अब कैंसिल कीजिए माइनस का 3। तो देखिए एरिया हमारा माइनस में नहीं आएगा, तो माइनस को अगर हम मॉड्यूल में चेक करेंगे तो इसको प्लस 3 यूज़ किया जाएगा, तो जो एरिया आया है हमारे ट्रायंगल का ए बी डी का वो कितना आया है 3 square unit, यहाँ पे भी जो एरिया है हमारा वो भी कितना आया है 3 square unit। अब आपको क्या बताना था, आपको वेरीफाई करना था कि जो मीडियन है ट्रायंगल का क्या वो ट्रायंगल को 2 equal triangles में डिवाइड करता है क्या, जिन ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो। हमने ए सी डी का एरिया निकाला तो 3 आया, हमने ए बी डी का एरिया निकाला तो भी कितना आया 3 square unit आया। तो हम बोल सकते हैं कि जो मीडियन होता है ट्रायंगल का वो डिवाइड करता है इसको कितने किसके अंदर, 2 triangles ऑफ इक्वल एरिया, हैंस मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द ट्रायंगल इन डिवाइड द इन 2 triangles ऑफ इक्वल एरियाज, जो दोनों ट्रायंगल होंगे उन दोनों का एरिया क्या होगा हमारा इक्वल होगा।